अगर आपके पास भी अगर APOA16 है तो आपको भी अनलॉक करना है, तो सिक्योरिटी अपडेट होने की वजह से आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में अपडेट सिक्योरिटी होने की वजह से ये भी अब बीरो मोड नहीं बनाता है, ओनली ये प्रीलोडर मोड बनाता है, और ये मेटा मोड में भी अब ये फैक्ट्री रीसेट या रीसेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को हम ओपन करेंगे और इसमें एक जम्पर मारेंगे और इस टच पॉइंट से शॉर्ट करके हम इसको बीरो मोड में ले जाकर हम इसको अनलॉक करेंगे। सो इस फ़ोन को मैंने बीरो मोड में ले जाने के लिए मैंने टच पॉइंट को शॉर्ट करके मैंने अनलॉक किया है और अनलॉक टूल की सहायता से, ताकि ये आसानी से अनलॉक हो सके। तो मैंने, अब देख रहे हैं मेरे सामने जो रखा हुआ फ़ोन APOA16 है, पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ से मैंने इसको किया है, तो आप देख लीजिए, हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, देखिए जैसे इसका मॉडल नंबर है, देख लीजिए इसका CPH 2269 और APOA16 डिवाइस नेम, आपको मालूम हो जाएगा। तो इसको मैंने किया कहाँ से, आप देख लीजिए आप। ये मैंने अभी TP पॉइंट का एक खोल कर रखा और विंडो, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये मेरे MiraTek यूनिवर्सल में हूँ, MiraTek में करेंगे, MiraTek यूनिवर्सल पे टिक करेंगे, तो ये कस्टम EMI यानी कस्टम प्रोडक्ट और EMI है, तो उस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर APOA16 2269 और बूट डिवाइस पे टिक कर देंगे। बूट डिवाइस पे टिक करने के बाद आप अपना फ़ोन में टच पॉइंट शॉर्ट करेंगे और केबल लगाएंगे, जैसे फ़ोन कनेक्ट होगा तो आपके सारे